नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। इटावा कलेक्टरेट में रियल स्टेट के बीसीएल कंपनी ने जनपद इटावा में अरबों रुपए की जनता की ठगी, जिसको लेकर आज महिलाओं ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर भूख हड़ताल पर बैठकर किया जोरदार प्रदर्शन जारी है। महिलाओं के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने कहा, रियल स्टेट कंपनी के बीसीएल ने जनता के साथ धोखाधड़ी करके अरबों रुपए का चूना लगाया है, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर न्याय के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी नेता या प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटाई, जिससे पीड़ित महिलाओं में रोष दिखाई दे रहा है। महामहिम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार को डीएम द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। रियल स्टेट के बीसीएल कंपनी के एजेंटों का कहना है, जनता का रुपए यदि वापस नहीं हुआ तो हम लोग अपनी कलेक्टरेट में ही जान दे देंगे। जनता का एजेंटों द्वारा जमा किया गया कंपनी में रुपए पूरी अवधि होने पर जनता ने एजेंटों के घर डेरा डालना और एजेंटों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अपनी जान बचाने के लिए कलेक्टरेट में अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। आज आप कलेक्टरेट में किस तरीके के प्रदर्शन के लिए आप लोग आए हुए हैं? यहाँ पर कुछ गरीब, हमारी मौसम पंचायत जी जब हम आए तो मैंने देखा यहाँ गरीब किसान लुट रहा है। जैसे कलेक्टर द्वारा अरबों की संपत्ति लेकर विदेशी बैंकों में जमा की गई है, यहाँ गरीब रो रहा है, गरीब किसान मजदूर उनके घर जा रहे, हमारा पैसा दीजिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोग इसमें गलत है। तो कहीं ना कहीं जनपद में कितना पैसा लोगों का कंपनी लेके भागी। आज आप कलेक्टर में अनिश्चितकाल धरने पे बैठी, क्या समस्या है? नाम की एक कंपनी थी, उसमें हम एजेंट थे और मेरे सीनियरों ने मुझे फंसाया है। अब मैंने 1 करोड़ रुपए जमा करवा दिया है, जनता हमें मारने की धमकी दे रही है। इसके डायरेक्टर थे जयकिशन राणा, वो पैसा लेके भाग गए हैं और जनता हमें बहुत मारने की धमकी दे रही है। मेरा मकान बिकने तक की नौबत है, बताओ मैं कहाँ से पैसा दूँ उन्हें। दादी, आज कलेक्ट्रेट में परिसर में जिस तरीके से आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या समस्या है आप लोगों की? कल्पतरू कंपनी थी, केपीसीएल, उसमें हमने काम किया और काम करके इन लोगों को दिया, जो शांति सरो राव और सिंघानिया राव, इन सब लोगों ने, आनंद चौहान, और इन सब लोगों ने हमसे पैसा लेके जमा करवाया। इस्लाम समय अच्छा, आप जो कलेक्टर परिसर में आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, भूख हड़ताल पर बैठी, क्या कारण है? ये कारण है, मैंने कल्पतरू कंपनी में निवेश किया भी, अपना भी, मेरा खुद का पैसा भी है और एजेंट के तौर पे भी काम कर रही थी, तो पब्लिक का पैसा भी जमा कराया। कम से कम मेरे पास 1 करोड़ तक की लायबिलिटी है। और सीनियर लोग जो थे कंपनी में, कंपनी के मालिक जयकिशन सिंह राणा हैं, और जो सीनियर लोग थे तो मैं तो उन्हीं लोगों से मिलती थी कंपनी में, और ये लोग